वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने का सर्वे एएसआई से कराए जाने की मांग की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज होने वाली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। इसके बाद भी याचिकाकर्ता को मुस्लिम पक्ष के जवाब पर अपना पक्ष रखना होगा। श्रृंगार गौरी केस की मुख्य याचिकाकर्ता राकेश सिंह की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है और याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे किया गया उसी तरह से सील वजू खाने का भी सर्वे किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले कथित शिवलिंग मिलने के बाद में पूरे वजू खाने को सील कर दिया गया था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच पे मामले की सुनवाई होगी। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर बन चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस सीट पर जीत का प्लान तैयार कर चुके हैं और इस हफ्ते में 2 बार अयोध्या का दौरा भी कर चुके हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को दे दी है, यानी कि एक बार फिर से अयोध्या की लड़ाई लोकसभा के बाद अब उपचुनाव तक आ पहुंची है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए बीजेपी ने सभी विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग टीम बनाई है जो लोगों के बीच जाकर विपक्ष के झूठे वादों की पोल तो खोलेंगे ही, साथ ही सीएम योगी खुद अगड़े पिछड़ों में बटे हिंदू वोट को साध कर राष्ट्रवाद का भाव जगाते हुए विपक्ष को चित करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की सीट को जीतना चाह रही है और यहीं से इस मुद्दे को धार देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जो अगड़े और पिछड़े में हिंदू समाज बटा हुआ है उसे एकजुट करने के इस मुद्दे को धार देने में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं। हमेशा से राष्ट्रवाद के एजेंडे की प्रयोगशाला रही रामलला की धरती अयोध्या से सीएम योगी ने मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी की नजर अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर है जहां उपचुनाव होने हैं। ऐसे में वो अयोध्या से ही चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। पिछले 7 दिन में 2 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का मुद्दा उठा चुके हैं और विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। यानी सीएम योगी की कोशिश इस बार अयोध्या के मिल्कीपुर में जीत के साथ अयोध्या के फैजाबाद तक संदेश देने का है। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। उपचुनाव में दलित वोट बैंक पर बीजेपी की खास नजर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक का कुछ हिस्सा इंडिया गठबंधन के तरफ चला गया था, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दिया था। ऐसे में बीजेपी की कोशिश विपक्ष के जाति कार्ड की पोल खोलना और उनके खटाखट 8,500 रुपए प्रतिमाह देने जैसे वादों की असलियत सबके सामने लाना है। इसको लेकर सीएम योगी का भी बयान आ चुका है जो आज विभिन्न नाम और रूपों के साथ फिर से अनेक कारनामे वही हैं, लेकिन हुलिया बदल करके फिर से आपके सामने बहकाने के लिए आए हैं। मैं देख रहा था जब बालिका को मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो उस बालिका के मुंह से निकला कि खटाखट ये है जो आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, वो नहीं जो अप्रैल मई के अंदर सुनने को मिला था। यानी खटाखट विपक्ष की नकारात्मक राजनीति हो या फिर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के मुखिया की दूरी, जिसे सीएम योगी खुद जनता के सामने ला रहे हैं ताकि जिस अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सौंपी है उस अवधेश प्रसाद को उसी के घर में चित किया जा सके और लोकसभा में मिली हार का बदला पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18।
अब बात करते हैं हिजाब विवाद की। दरअसल कानपुर के बाद में बिजनौर के कॉलेज कैंपस से जो तस्वीरें सामने आई, अब उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि मना करने के बाद भी बच्चों को जबरन हिजाब पहनाकर कॉलेज भेजा जा रहा है, और इस घटना में एक तरफ पुलिस साजिश के एंगल से जांच कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है, अब वही विवाद यूपी के स्कूल कॉलेज में शुरू हो चुका है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कॉलेज में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा चुका है। तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर और बिजनौर से आई है, जहां कॉलेज में हिजाब पर घमासान मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कानपुर के बिल्हौर इंटर कॉलेज में रोक के बावजूद पहले तीन बच्चे हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गए। प्रिंसिपल ने बच्चों के पेरेंट्स से बात की और फिर हिजाब नहीं पहनने पर सहमति बनी। लेकिन एक बार फिर 22 बच्चे अचानक हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गए, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। कुछ दिन पूर्व ही तीन छात्राओं ने अपनी गलती मानी थी और ड्रेस कोड को लागू करेंगे, जिसका पोस्टर्स भी लगाए गए थे, मगर इन सबके बीच 22 छात्राओं का हिजाब लगाकर पहुंचना और उसके बाद एक छात्रा बुर्का पहनकर कक्ष में बैठी थी, जिसके बाद उनके अभिभावकों को बुला के और उनको घर भेजा गया और उन्होंने अपनी गलती मानी। कानपुर से करीब 472 किलोमीटर दूर बिजनौर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां मना करने के बावजूद बच्चे हिजाब में कॉलेज पहुंच गए। लेकिन हैरानी इस बात की है, बच्चे अब भी हिजाब पहनने की जिद पर अड़े हैं। तो कानपुर में इस हिजाब विवाद में पुलिस साजिश के एंगल ढूंढ रही है। अच्छा, और आप लोग क्या चाहते हैं? हिजाब अच्छा ऐसा हो गया तो ये पूर्व में भी प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ बालिकाओं के द्वारा स्कूल में जो है वो हिजाब पहन करके जो है वो जाने की बात प्रकाश में आई थी, और फिर उसके जो है वो जो पेरेंट्स थे, गार्जियंस थे, उन्होंने जा करके लिखित में दिया था कि इस तरह की कोई बात जो है वो भविष्य में नहीं होगी। और अभी दोबारा से जो है मीडिया के माध्यम से फिर ये प्रकरण संज्ञान में है। ऑलरेडी इसमें जिलाधिकारी महोदय के स्तर पे जो है वो एक जांच उन्होंने जो है गठित कर दी है, टीम गठित की है जो जांच कर रही है। बाकी हमारी भी इसमें जो है वो एक टीम है जो इंटेलिजेंस की, वो इसमें जांच कर रही है। अगर कोई इनको उकसा रहा है या कोई इस तरह के इनपुट्स हैं तो उस पर हम जो है बाद जाँच अवश्य कार्रवाई करेंगे। स्कूल कॉलेज में हिजाब विवाद पहले भी उठ चुके हैं। कर्नाटक और मुंबई से भी इस तरह की तस्वीरें आ चुकी है, जिस पर खूब सियासत हुई। यहां तक कि कुछ दिन पहले मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आ चुकी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्लास के अंदर धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या पहनना या क्या नहीं पहनना है ये वही तय करेंगे। साथ ही कहा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते, यानी कैंपस में धार्मिक गतिविधि पर सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आ चुकी है। तो अब साधु संतों ने कानपुर और बिजनौर की घटना पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि हिजाब के पीछे साजिश हो सकती है, बच्चों पर हिजाब पहनने का दबाव बनाया जा रहा है। विद्यालय में अशांति फैलाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और उनको जो है कभी बुर्का हिजाब पहन करके जाने के लिए बीच बीच में जिहादी उनको जो है तो प्रताड़ित करते हैं, उनको जो है धमका करके इस तरह से बताते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, लोग बच्चों को पढ़ने दें। निश्चित रूप से हर स्कूल का एक अपना ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म इसीलिए होता है कि छात्रों में यूनिफॉर्मिटी रहे, सब एक जैसे दिखें, कोई भेदभाव ना हो, कोई अमीर गरीब की खाई ना हो, किसी तरह का कोई बंटवारा ना हो, इसीलिए ड्रेस कोड लागू किया जाता है। और निश्चित रूप से किसी भी संस्थान का जो ड्रेस कोड होता है उसका पालन सबको करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो निश्चित रूप से जो स्कूल प्रशासन है वो अपने हिसाब से, अपने नियम कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहा हो। यानी बात एक बार फिर स्कूल कॉलेज में धार्मिक गतिविधियों पर आ चुकी है, हिजाब पर बैन की मांग उठ रही है और सियासत भी खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
कौशाम्बी में बहू की खतरनाक करतूत सामने आई है। आरोप है कि उसने पहले अपने ससुर को खाने में जहर मिलाकर दे दिया, लेकिन जहर कम होने की वजह से ससुर की हालत ज्यादा नहीं बिगड़ी। इसके बाद भी उसे सास के भी खाने में जहर मिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के गोराजू गाँव की है। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो जहर दिया गया। क्या है पूरी बात बताइए। जब मेरी 9 दिसंबर को शादी हुई है, फिर जब शादी होकर मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले गया, तो शादी के बाद ही 10-15 दिन बाद विवाद करना शुरू कर दी। लड़ाई झंझट, कभी माँ से, कभी किसी, इल्जाम लगाने लगी, लालचा लगाने लगी, गलत इल्जाम लगाने लगी। फिर नहीं रही, फिर अपने भाई को बुला के अपने मायके चली गई। ये अपने मायके चली गई, फिर हम कई बार बुलाने भी गए, 5-6 बार भेजे नहीं। फिर हमने 609 दर्ज किया, फिर 609 दर्ज किया तो ना, फिर महिला थाना में इन्हें रिपोर्ट दर्ज की है। फिर महिला थाना गए तो ज़बरदस्ती वहाँ दबाव डाल के भिजवाएँ। फिर इन्हें हमारे माँ को, पहले पिताजी को हमारे जहर दिया, हमारे पिताजी को थोड़ा दिया तो उनकी हार्ट की दवा चलती, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा। माँ को बहुत ज़्यादा हमारी पत्नी ने जहर दे दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। और गाजियाबाद में रील बनाने के चलते एक लड़की छठी मंजिल से गिर गई। बताया जा रहा है कि ऋषभ क्लाउड सोसाइटी में 11वीं की छात्रा छठी मंजिल पर रील बना रही थी और इसी दौरान उसका मोबाइल छूट गया। मोबाइल पकड़ने के चलते लड़की भी नीचे गिर गई। घायल लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर है। रील, ये वो ट्रेंडिंग शब्द है जो कि सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जहां इस रील को बनाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जो जिंदगी और मौत के बीच इसी रील बनाने के चक्कर में जूझ रहे हैं। हालिया मामला गाजियाबाद के इंद्राभूमि थाना क्षेत्र का है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये वही सोसाइटी है जहां अब से कुछ घंटे पहले एक रील बनाने के चक्कर में 11वीं क्लास की छात्रा ने रील बनाने की कोशिश की और उस दौरान उसका मोबाइल नीचे गिर गया। उस मोबाइल को पकड़ने के चक्कर में वो छात्रा मोबाइल के साथ साथ छठी मंजिल से नीचे आकर गिर पड़ी। गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान छात्रा बुरी तरह घायल तो हुई, लेकिन उसे समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि छात्रा की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है।